अज साडे बच्चे ने उस कौन बनेगा करोड़पति दे विच साबित कर दिता है कि एक सरहदी एरिए जिहड़ा सरहद दे नाल लगदा पिंड है, बॉर्डर टचिंग विलेज है जिहड़ा खालड़ा, उत्थों उठ के और एक सधारण परिवार चों उठ के अज एडी वड्डी प्राप्ति करना, मैं महसूस करदा है कि अज समुचे इलाके नूं माण है। नवां घर पहुंचे जे और एक हल्के दे विचों कौन बनेगा करोड़पति तक जिहड़ा है वह वीर ने नाम रोशन किया। सब तो पहला तो जी सतगुरां दा कोटान-कोट धन्नवाद है, इस परिवार ने इस परिवार की सच्ची ते सुची नेक कमाई जिहड़ी उन्होंने पूरी जिंदगी कीती है उन्हों भोग भाग लाए, क्योंकि बच्चे भी जिहड़े है एक कमाई हुंदे, जे बच्चों चंगे संस्कार दिते होण, चंगी सिक्ख्या दिती होवे, उहदा रिजल्ट तुहाडे सामने है। काका जसकरन सिंह जिन्हें अज वो हासिल कर दिखाया है, जिहदे बारे मेरा ख्याल है कि देश के 99% लोग कदे सोच ही नहीं सकते। कदम पुटना तो उस पासे बहुत दूर की गल है, 99% अपने आप नूं योग ही नहीं समझते। अज साडे बच्चे ने उस कौन बनेगा करोड़पति दे विच साबित कर दिता है कि एक सरहदी एरिए जिहड़ा सरहद दे नाल लगदा पिंड है, बॉर्डर टचिंग विलेज है जिहड़ा खालड़ा, उत्थों उठ के और एक सधारण परिवार चों उठ के अज एडी वड्डी प्राप्ति करना, मैं महसूस करदा है कि अज समुचे इलाके नूं माण है। मैं मोटी जी गल करा कि जो तो मैनूं पता लगा ना, मेरे को मतलब मैनूं सीगा कि सवेर कदों चढ़े तो मैं इहदे नाल गल करां। मैं फिर सवेरे उठदे ही जसकरन नूं फोन किया, शाबाशी दित्ती और छोटी जी गल है कि इस परिवार के बारे तुसी लागे बन्ने कितने जानकारी ले लो कि एडा गुरमुख परिवार है और ये पिता जी सरदार चरणजीत सिंह होरी जिन्होंने असी बाबा लाडी के नाल ही ज़्यादा जानते हैं, तो है भी बाबे ते अज उहदी किरत नूं उहदी सोच नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भाग लाया है। मैं जिथे काका जसकरन सिंह नूं वधाई देना हाँ जी, इन्हें जिथे वड्डी प्राप्ति की असी महसूस करते कि असी की, उत्थे नाल ही समुचे परिवार को सरदार चरणजीत सिंह होरां उन्होंने धर्म पत्नी साड़ी भैन जी नूं काका जसकरन सिंह की माता जी नूं ते साडे मैंबर साहब सरदार बलकार सिंह भाई जिहड़े जसकरन के दादा जी ने और इस परिवार नाल मेरा भी बड़े लंबे समय तो प्यार है, सांझ है, वो आप जी थां ते। पर यह है कि सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि अज जसकरन सिंह ने इस इलाके का माण वधाया है, पंजाब का माण वधाया। मेरा ख्याल कि पंजाब दे विच मैनूं नहीं पता कि कोई इस स्टेज तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, हाँ जी, पर अज पंजाब चों उस खालड़े नगर तो एड्डी वड्डी प्राप्ति करना अपने आप च बहुत वड्डा अर्थ रखता है। और इको गल है कि जदों कोई बंदा धार लवे कि मैं मेरा टीचा आया तो मैं इस निशाने पर पहुँचना है, वो एग्जाम्पल वो उदाहरण जसकरन सिंह तुहाडे सामने जो पिछले 4 सालों तो लगा सी, कई ने लाउण की कोशिश भी की, कई ने हौसला तोड़न की कोशिश की, छड़ खेड़े किहड़े पासे पियां, पर इको सोच धार के कि ये मतलब टीचा हासिल करना है। तो हुण इहदा अगला टीचा जिहड़ा आ UPSC क्लीयर करन दा, तो मेरा ख्याल है कि इहदे अगे
वो कोई रुकावट नहीं बन सकेगा। तो मेरा ख्याल पहली अटैम्प्ट दे विच ही जिहड़ा UPSC भी क्लीयर करेगा, असीं भी अपने पुत नूं DC लगा वेखना चाहुंदे आ। हाँ जी, तो महाराज होर कृपा करे, ये बुलंदियां नूं छूहे, असीं माण महसूस कराया करिए। हाँ जी, भावें माण अज भी है, होर माण महसूस कराया करिए कि जब जसकरन सिंह साढ़े हत्थां 'च खेडदा रहा है। हाँ जी, जसकरन सिंह दे परिवार नाल उहदे नाल साडी सांझ है। सानू अपने आप नूं जिहड़ा आ इंट्रोड्यूस कराउण वास्ते जसकरन दी जिहड़ी इंट्रोडक्शन देनी पवे, इहो जिहा मार सच्चे पातशाह नूं रुतबे देवे। ये नगर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी चरण छू प्राप्त नगर है और इस नगर ते कृपा आ। ठीक है कि इस इलाके की बदकिस्मती यह रही कि 47 तो पहला ये इलाका जिहड़ा आ जरखेज सीगा और थालड़ा मंडी एक बहुत वड्डा व्यापार का केंद्र सीगा, ते सरहद की लकीर खिंची जाण करके ये पछड़ गया, नहीं तो अज ये गुड़गावां तो घट ना हुंदा, क्योंकि एक बने लाहौर बिल्कुल ही नज़दीक पैंदा सीगा, दूजे बने अमृतसर साहिब सीगा, ते ये गुड़गावां तो घट नहीं सी होना। पर फिर भी इस नगर के इस नौजवान ने जो प्राप्त की है वो जिनी भी शोभा की जाए, जिनी भी शलाघा की जाए, उन्नी थोड़ी ये नगर भावें कि पहला भी किसी जान पहचान का मुहताज नहीं। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जिहड़े मनुखी हकों की खातर, मनुखी अधिकारां की खातर, मनुखी होए घाण के विरुद्ध जिन्होंने अपना आप कुरबान किया, भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे नां दे नाल भी ये नगर जाणिया जांदा। उस नगर चों अज छोटे जिहे साडे बच्चे ने उठ के बुलंदियां नूं छोहिया है, ते सतगुरु होर कृपा करन ये होर बुलंदियां ते जावे, होर बुलंदियां ते जावे, यही अरदास करते हैं। सो बहुत तैनूं वधाइयां, सारे परिवार नूं वधाइयां, ते तुहानूं भी वधाइयां।